नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं भोपाल में एक साल में राजनीति में कई सारे हमने उठापटक देखे हैं। ऐसे में 2021 की अगर आप बात कर लें तो 2021 यानी कि एक और साल कई सारे बवाल, हंगामे, उपलब्धियां और सियासी उठापटक के साथ खत्म हुआ। 2021 में देश और प्रदेश में कठोर परिस्थितियां देखी, साथ ही गम देखे, कई खुशियां भी देखी और राजनीति में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहा। सत्ता और विपक्ष में बहसबाजी, चुनावी माहौल, साथ ही हार जीत का सिलसिला भी चलता रहा। ऐसे में कोरोना काल का इस साल बवाल ज्यादा रहा, काल रूप देखा और 2021 ने न केवल हमें अच्छी बुरी परिस्थितियां दिखाई बल्कि हमें जिंदगी और अपनों की अहमियत भी बताई। और अगर प्रदेश की राजनीति को देखें तो इस साल राजनीतिक हलचल भी खूब रही। तो आज बात साल भर की राजनीति पर होगी, यानी कि सत्ता और सियासत में साल भर क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम जानेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 10 करोड़ से ज्यादा डोज लगाकर मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान रचा, नई शिक्षा नीति यहां पर लागू हुई। साथ ही देखा जाए तो राज्य जो है हमारा वो तीसरा ऐसा राज्य बना जहां पर शिक्षा नीति लागू हुई। इसके अलावा आदिवासियों को साधने के लिए मेगा शो यहां पर किया गया। मंगू भाई जो है राज्यपाल बने प्रदेश के, सिंधिया केंद्रीय मंत्री बने। भाजपा ने उपचुनाव में अपना परचम लहराया, विधानसभा में हंगामा चलता रहा, भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, साथ ही चुनाव में आरक्षण पर बवाल हुआ और चुनाव निरस्त हो गए। तो कुछ ये झलक है जो कि साल भर में देखने को मिली। चलिए तो आज हम बात करेंगे कि साल भर में जो उठापटक चली है राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में उसके बारे में बात करेंगे। क्या उपलब्धियां रही, क्या कुछ यहां पर सत्ता सियासत में चलता रहा, ये सब हम जानेंगे। साथ ही नई शिक्षा नीति से लेकर कई ऐसी चीजें हुई जो साल में सरकार में चलती रही। सरकार ने कई सारी योजनाएं निकाली, अन्न उत्सव हुआ, गौरव दिवस हुआ, साथ ही यहां पर ऐसी कई सारी बैठकें हुई। कोरोना काल ने हमें सबसे बुरी परिस्थितियां दिखाई, साथ ही विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में बवाल हुआ, महंगाई का मुद्दा उठा। इसके अलावा देखा जाए तो सिंधिया जो है केंद्रीय मंत्री बने, सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्शन मोड दिखा, साथ ही माफियाओं के खिलाफ अभियान चला। इसके अलावा वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया जिसमें मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन करा और ऐसे में भोपाल इंदौर में कानून व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा करने के लिए कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। तो चुनाव में भी आरक्षण पर बवाल रहा। अब ऐसे में सत्ता और सियासत का अगर देखा जाए तो इस वक्त काफी कुछ इस साल 2021 में देखा है। तो आदिवासियों को साधने के लिए मेगा शो भी किया गया, यानी कि गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए। इसके साथ ही मंगू भाई छगन भाई पटेल प्रदेश के राज्यपाल बने और साथ ही 10 करोड़ से ज्यादा डोज लगाकर जो है हमने कीर्तिमान रचा। सिंधिया बने केंद्रीय मंत्री और भाजपा ने उपचुनाव में परचम लहराया। तो इस बार देखा जाए तो 2021 में राजनीति में बहुत कुछ होता रहा। सत्ता और सियासत का साल कैसा रहा, क्या कुछ यहां पर चर्चा होगी आज वो काफी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि दोनों ही तरफ से यानी कि यहां देखा जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने जो है एक अच्छी भूमिका यहां पर निभाई है राजनीति में। अगर पूरी 2021 की राजनीति को देखा जाए तो काफी सारे झटके दोनों ही पार्टियों को लगे हैं, कहीं कोरोना काल का तो यहां पर कहीं हार का तो कहीं जीत का। चलिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ तो यहां पर गोविंद मालू जी, जितेंद्र मिश्रा जी और अशोक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस पैनल पर। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी, क्या कहना है सत्ता और सियासत के साल में कांग्रेस ने काफी कुछ खोया और बहुत कुछ पाया? निश्चित तौर पर अनन्या, ये साल मिला जुला उपलब्धियों का साल रहा। सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं तो कम शब्दों में ये कहूंगा, नई बहू की चूड़ियों की आवाज ज्यादा आई और रोटियां कम बेल पाई। जिस तरीके से प्रचार हुआ उस तरीके से परिणाम नहीं दिखे, ये सरकार को लेकर के मेरी प्रतिक्रिया है। शिवराज सिंह एक्शन मोड में आए, अभी आपने बताया कि आपने दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया, लेकिन हुआ क्या, कौन सा एक्शन हुआ? भू माफियाओं के खिलाफ जो युद्ध हमने चलाया था, आपने देखा किसी भी माफिया पर रासुका की कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए ये कहना गलत है कि शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में थे। बयान जरूर आते रहे लेकिन ना शुद्ध के लिए युद्ध पर कार्रवाई हुई, ना आपने देखा भू माफियाओं पर कार्रवाई हुई।
कैसे कह सकते हैं, जब उनका बयान आया था कि अपराधियों को, अधिकारियों को अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 10 फीट नीचे गड़ा दूंगा, आज सरकार को माफिया ने 10 फीट नीचे गड़ा दिया है। अत्याचार और भ्रष्टाचार और अपराध के मामले देखें तो रहा सवाल कमिश्नर प्रणाली का, तो कमिश्नर प्रणाली को लेकर के बार बार आपके चैनल ने भी दिखाया कि कमिश्नर को वो अधिकार तो दीजिए जिससे वो कमिश्नर प्रणाली सफल हो। आज आईएएस लॉबी लगातार लॉबिंग करती रही कि कमिश्नर के हाथ पे वो पावर ना जाए, और इससे क्या होगा, कमिश्नर प्रणाली फेल हो जाएगी। और हुआ भी वही, आपने देखा कि कमिश्नर को जो पावर, आज 70 शहरों में कमिश्नर प्रणाली है, उनका अध्ययन करके मध्य भोपाल के 2 शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाती, उनको वो पावर दिए जाते जो दूसरे शहरों में है। मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है। आदिवासियों को साधने का जहां तक सवाल है, आप ये बताइए मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे आगे मध्य प्रदेश है। उज्जैन और नीमावर की घटनाएं आपके चैनल ने दिखाई, किसी से कम नहीं है। आप देखिए कैसे हत्या कर दी जाती है और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती। ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सरकार का रिजल्ट है आदिवासियों के ऊपर। आपने देखा जीप से बांध के खींचना, गड्ढे में गड़ा देना, जिंदा मार देना, ये सारी की सारी चीजें आपने भी दिखाई है। एक नई चीज आप ये देखिए, आदिवासियों में जो विलुप्त जातियां हैं, जिनको विलुप्ति के कगार पर है, उनको लेकर के 22 करोड़ रुपए का बजट आता है जिसमें ऑर्गेनिक खेती की बात होती है, और दूसरे आदिवासियों को 54 करोड़ का बजट सरकार देती है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए होता है, वो सारा का सारा बजट दूसरी समाज में बांट दिया गया। तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार को सफल है, ये है कि चल रहा है तो चल रहा है। चलिए बिल्कुल गोविंद मालू जी, आपसे मैं चाहूंगी यहाँ पर कि भाजपा के लिए 2021 कैसा रहा, क्या उपलब्धियां क्या खामियां? हेलो जी गोविंद मालू जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी गोविंद मालू जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं 2021 भाजपा के लिए कैसा रहा, क्या खामियां रही, क्या खूबियां रही, यहाँ पर क्या उपलब्धियां पाई भाजपा ने इस बार? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, सुशासन और विकास के मोर्चे पर योजनाओं को गति दी, नई योजनाएं बनाई, पुलिस कमिश्नरी इंदौर में लागू की, और हमारे इसी का परिणाम रहा कि जो उपचुनाव थे वो हमने बड़े अंतर से जीते। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने लगातार, इसके पहले कोरोना संक्रमण की जो लहर थी, कोरोना संक्रमण की जो भयावहता थी, उसके चलते सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्थाएं की और जनता को राहत दी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसके अलावा सरकार ने कई सारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, जिनको जनता तक पहुंचाना है, उसकी मॉनिटरिंग की, सख्ती बरती, अपराधों पर नियंत्रण किया। कांग्रेस का काम नकारात्मक चीजों को और नकारात्मकता फैलाना है। क्या कांग्रेस के शासन में राम राज्य था? यदि वो ऐसी बात कहते हैं तो हमने, यदि अपराध हुए तो उन पर नियंत्रण भी किया है और अपराधियों को तुरंत शिकंजा उन पर कस के पकड़ा भी है। अपराध होना एक सामाजिक विकृति है और न्याय और कानून व्यवस्था और कानून का राज और पुलिस, ये सब होती इसीलिए है कि अपराध यदि हो तो उन पर नियंत्रण किया जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। तो चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो दूसरे क्राइम हो, चाहे वो हत्या हो, उसके अपराधियों को तुरंत पकड़ा गया। ऐसी सरकार ने लगातार अपने सभी पूरे मंत्रिमंडलीय साथियों के साथ सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को का क्रियान्विति तो की ही, इसके अलावा सरकार ने सुशासन देकर और विकास के नए आयाम रचे, जो एक उपलब्धि है। जी अशोक शुक्ला जी, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस बार 2021 में क्या बड़े मुद्दे रहे, क्या कुछ यहाँ पर पहलू रहे, आप समझना चाहेंगे? देखिए मुद्दे तो तमाम रहे, और राजनीतिक मुद्दों की बात अगर हम छोड़ दें तो देखना ये पड़ेगा कि जन अपेक्षाओं के लिए सरकार कितनी खड़ी उतरी है। रोजगार जैसी समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, मतलब एक नागरिक की तमाम तरह की आवश्यकताएं होती हैं। अगर उस पर हम जाकर देखें कि सरकार कितनी खड़ी उतरी है, तो मुझे लगता है कि सूरत बदलती है मगर सवालात नहीं बदलते हैं,
और चेहरे बदल जाने से हालात नहीं बदलते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं वो दीर्घकालिक होती हैं। कुछ उपलब्धियां जरूर सरकार के खाते में जाती हैं, इनको मैं उपलब्धियां नहीं कहूंगा बल्कि कहूंगा कि सरकार का कर्तव्य था, कोरोना काल था, कोरोना काल में लोगों को उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, शिक्षा के क्षेत्र में भी ज्यादा कुछ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना के चलते तमाम शिक्षण संस्थाएं बंद थी, लेकिन गुड गवर्नेंस के मामले में अगर देखें तो ये सरकार केवल प्रयोग करती हुई दिख रही है, अधिकारियों को चेताती हुई दिख रही है, धमकाती हुई दिखती है, लेकिन उसका परिणाम कहाँ देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता को आज भी नियम कायदों के पालन में रिश्वत देनी पड़ रही है। गुड गवर्नेंस के लिए जिस तकनीकी की आवश्यकता है वो सरकारें नहीं उसका उपयोग करती हैं। आम जनता की निगरानी के लिए तमाम तरह के सिस्टम बनाए जाते हैं लेकिन मशीनरी के लिए जो सरकारी मशीनरी है उसके लिए जो है किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है, जिसके चलते करप्शन बहुत जबरदस्त है और महंगाई जो है ये बेरोजगारी भी है। तो सरकार मुझे सबसे पहले ये बताए कि उसने रोजगार के क्षेत्र में क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की क्या बड़ी उपलब्धि रही, गुड गवर्नेंस के काम में सरकार की क्या उपलब्धि रही, तो मुझे लगता है ये सुन रही। राजनीतिक उपलब्धियों में आप कह सकते हैं कि जो चुनाव हुए उसमें तीन जगह जो है भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली और एक सीट रैगांव की थी जहां पर कांग्रेस ने जो है भाजपा की सीट छीन ली। तो राजनीतिक बयानबाजी और बसोलेबाजी तो चलती रहेंगी। 2021 में इस सरकार के खाते में कोई बड़ी उपलब्धि जाती हुई मुझे तो नहीं दिखती है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक जनता के हित में कुछ अच्छे काम ना हो, कुछ बड़े फैसले ना हो, तब तक सरकारें जो है भले विकास का ढिंढोरा पीटती रहे, तमाम करप्शन है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, अपराध चरम पर है, भू माफिया है और सरकारें जो है तमाम तरह के माफियाओं को मारने का दावा तो करती हैं। प्रश्न ये उठता है कि घूस माफिया को कब मारेगी सरकार। जब तक घूस माफिया है तो हर तरह का माफिया पर रफ्तार रहेगा इस प्रदेश में, सूबे में। तो अगर सरकार ईमानदार है, सरकार अपने खाते में कोई बड़ी उपलब्धि दर्ज कराना चाहती है तो सबसे पहले उसे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और घूस माफिया को मारना पड़ेगा। तो मेरी दृष्टि में तो राजनीतिक उपलब्धियां भले हों, जनता के लिहाज से साल जो है अपवाद नहीं है जिसको हम ये कहें कि हाँ ये सिस्टम कुछ ठीक हो गया है, चीजें ठीक हो गई हैं, सरलीकरण हो गया, नियमों का सरलीकरण हो गया है। जहां पे एक आदमी जाता है तो अक्सर का एक अधिकार नहीं होता, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं अनन्या जी। तो पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। इसको खड़ा करने के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। राजनीतिक रूप से बीजेपी भले मजबूत हुई हो लेकिन जनता के लिहाज से मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी निराशा के बादल छटे नहीं है। बिल्कुल, यानी कि काम करने की जरूरत है अभी और आगे देखा जाए। यहाँ पे तो जितिन मिश्रा जी आपसे सुनना चाहूंगे यहाँ पे कि ये चलिए तो हो गई 2021 की बात, जहाँ पर आपने बताया कि क्या कुछ यहाँ कांग्रेस ने किया, क्या कुछ उपलब्धियां रही सरकार, क्या गलतियां रही, लेकिन अगर 2022 की बात करें तो आपकी पार्टी 2022 के लिए क्या चुनौतियां मानती है, क्या यहाँ पर उपलब्धियों की तैयारी कर रही है कि ये उपलब्धियां हमारे पास 2022 में होनी चाहिए पार्टी में, और क्या काम आगे होना है, और 2022 को आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ खड़ा देखना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने सबसे पहली चीज शुक्ला जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। किसी चीज की सफलता असफलता, किसी सरकार की सफलता असफलता का माना होता है वहाँ रोजगार के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, वहाँ महंगाई को लेकर के क्या स्थिति बनी है, वहाँ अपराध नियंत्रण पर क्या काम हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या काम किया गया, ये उपलब्धियाँ सरकार की उपलब्धियाँ मानी जाती है। आप इन पैमानों पर सरकार को देख लीजिए कहाँ खरी उतरी है। रोजगार के मामले में आपने देखा रोजगार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है। अब महंगाई को लेकर के आपने देखा क्या जनता परेशान। अभी शुक्ला जी ने सही कहा कि राजनीतिक तौर पर कोई दल मजबूत होता रहता है लेकिन मध्य प्रदेश के आम आदमी